हेलो बच्चों, कैसा रहा आप लोगों का एग्ज़ाम? आई थिंक आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, तो आप लोग यहाँ पर मिला लीजिएगा कि आपके कितने नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको सटीक जानकारी देने वाला हूँ, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं उनका क्या आंसर होने वाला है मैं वो यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये क्लास 10 का मैथ का पेपर है, जो कि इसका कोड है 822EA, और ये पेपर 21 फरवरी 2023 को हुआ है, ठीक है, मतलब आज ही के दिन हुआ है, अभी एक घंटे पहले। तो हम लोग इसका सलूशन देखेंगे और आप लोग लास्ट में बताएंगे कि आपके कितने ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन हैं वो सही हो रहे हैं, क्लियर है ना। तो चलते हैं अपने आज के इस पेपर पे और इसका करते हैं सलूशन। 822 ये आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पर है आपका पहला क्वेश्चन, इस पर है कि 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। दशमलव प्रसार कितने अंकों तक जाएगा आपको ये बताना है। तो आपको सिंपल से एक काम करना था, 731 बटे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 625, और 625 होता है 5 की पावर 4, तो हमें यहाँ पर जो हर होता है इसमें हमें 10 बनाना होता है, तो आप लोग क्या करते हैं 2 की पावर 4 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाता है 10 की पावर 4 हो जाता है। जैसे हमें यहाँ पर 4 दिखता है, हम लोग सीधा बता देंगे कि दशमलव प्रसार 4 अंकों तक जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं x, y और -x, -y के बीच की दूरी क्या होगी। तो आप लोग सिंपल से लगाएंगे x माइनस, और इस माइनस की वजह से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसका क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा y, इसका यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है वो भी देख लो। अच्छा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है x x 2x, यहाँ हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर, और यहाँ से जैसे हम लोग 4 कॉमन लेंगे, अंडर रूट के बाहर बचेगा कितना 2, अंडर रूट में आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे चलते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर है किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कुछ समय गड़बड़ लग रही है, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक सम और विषम की ये बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर धनात्मक सम की बात करता तो ऑप्शन नंबर 3 सही होता, अगर धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करता तो ऑप्शन नंबर 4th सही होता, क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि sin a + b = √3/2 और cos a - b = √3/2, ठीक है। तो a और b का मान क्रमशः क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 45°, 15°। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देख लो sin a + b बराबर ये कितना हो जाएगा, ये साइन कितने का मान है, तो ये साइन दिया गया है sin 60 का मान, तो यहाँ पर देख लो a + b बराबर यहाँ पर आ जाएगा 60°, ठीक है। और ये जो वैल्यू दिया है cos a - b बराबर √3/2, ये है cos 30 की वैल्यू, तो a - b बराबर हो जाएगा cos 30°, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आपको 45° और 15° यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें तो या तो इस पर आप लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा दो या तो वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। दो ऑप्शन है आपके पास, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, cos 2a, ए क्या है, ए एंगल है, ए कितना है यहाँ पर 30° दिया हुआ है, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, और cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इस पर यदि समीकरण x²-4x + k = 0 का एक मूल 6 है तो k का मान क्या होगा। सिंपल से x के स्थान पर आप लोग 6 रख दीजिएगा, इससे आपका k का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा -12, तो यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, -24 + k = 0, इसको हम लोग घटाएंगे तो प्लस का 12 इधर आएगा, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, क्लियर है। इस पर देखते हैं कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्याएं यहाँ पर संख्याएं क्या होंगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.8, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, x + y दो संख्याएं यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है, x + y यहाँ पर दो संख्याएं हो जाएंगी, और इनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी, मतलब एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, एक संख्या x मान लो, दूसरी संख्या 2x मान लो अगर मानना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 16.8, क्लियर। यहाँ पर देख लो दो क्वेश्चन नंबर 9 पे कि तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात
81:121 है, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल से क्या करना है हमें, इसका अंडर रूट निकाल लेना है। यहाँ पर 81 हो जाएगा, यहाँ पर 121 हो जाएगा, अनुपात पूछ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और इस साइड आ जाएगा 11, तो 9:11 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है, इसमें तो डायरेक्ट अगला क्वेश्चन नंबर 10 पे आपसे फार्मूला ही पूछ रहा है। इस पर क्या है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के आधार पर लंब डाला गया है, लंब की माप क्या होगी। तो लंब की माप सिंपल से √3/2 भुजा, आगे यहाँ पर यूनिट लगा दो, मात्रक लगा दो। क्लियर है। आगे हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर है 1/2 cm वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, इसके दो ऑप्शन नहीं दिख रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 3πr² होता है ना। इसका व्यास कितना, 1/2, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। सिंपल था, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो 3π 1/4 रखो, कितना हो जाएगा, 1/16, तो कितना हो जाएगा, 3/16 πcm². ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर है 6 cm त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप पर केंद्र पर 60° का कोण आंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। सीधा लगा दो θ/360 πr², थीटा यहाँ पर कितना है, 60 है, तो 60/360 πr² पाई रख दिया, आर यहाँ पर कितना है, 6 cm, 6 का² कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, 60 से कटेगा 6 बार में और 6 से इसको कट कर दो 6 बार में, 6×36, तो यहाँ पर कितना आएगा, 6π, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6π cm। आगे है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार क्रमशः इतना इतना दिया गया है, लंब की भुजा की माप कितनी होगी। लंब निकालना है आपको, क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। ठीक है, आप लोग ऐसे निकालोगे तो जो आपका राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना, कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, इस पे है समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की माध्यिका CD है, तो CD² का मान कितना होगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3/4 AB². क्लियर है। यहाँ पर है 15 नंबर क्वेश्चन कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल कितना होगा। तो सिंपल से आपको एक काम करना था, 45.6 × आपको 12 निकालना था, आप लोग इसका गुणा करवा लीजिएगा, जितना आंसर है वो इसका राइट आंसर होगा, वैसे आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसमें 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान कितना होगा। समांतर माध्य क्या होता है, इनको ऐड कर लो, 3+4+6+x = 5, 4 संख्या तो 4 आएगा, 5×20 इधर हो जाएगा, 6×4=10, 13, 20 से 13 घटाएंगे, 7 हमें आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो इसमें क्या है कि द्विघात समीकरण x-1/x = 1 का विविक्तकर क्या होगा। विविक्तकर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर करते हैं d = b²-4ac। तो यहाँ पर b की बात करें, चलो सबसे पहले इसको आप लोग बना लो सही से, यहाँ पर एलसीएम ले लो इसका, कितना हो जाएगा, x²-1 = ये x 1 के साइड आएगा, कितना आएगा, x आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x²-x - 1 = 0। यहाँ पर लगाएंगे b²-4ac, b की वैल्यू कितनी है, 1 है, माइनस का 1, तो -1² ठीक है, -4 × a कितना है, 1 है, c है -1, कितना आएगा 1, ये माइनस क्या बना देगा, प्लस, और 4 × 9=4, 4 × 1 कितना हो जाएगा, 5, तो 5 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, इस पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30m² है, यदि इसकी लंबाई और लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको रेस कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करने के लिए दिए गए द्विघात समीकरण क्या हो। ठीक है, यहाँ पर देख लो, लंबाई इंटू चौड़ाई l×b = कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो किन दो संख्याओं गुणा करने पर 30 आएगा। ठीक है, तो यदि हम एक संख्या ले लें 6, दूसरी संख्या ले लें 5, तो इससे भी हम लोग 30 निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रकार से भी इसको कर सकते हो, इसकी जो लंबाई है l जो है वो चौड़ाई से 1 अधिक है, तो यहाँ पर b+1 हो जाएगा। ठीक है, अब लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है ना, क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एल भी नहीं मानना है तो एक काम करो, xy मान लेना। ठीक है, एक काम कर लो, यहाँ पर
एक सौ आई भी मान लो तो एक सौ आई से भी आपका आंसर और आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं यहाँ पर, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक 26.1 और 25.8 हैं, बंटन के लिए बहुलक का मान कितना होगा, ठीक है। तो बहुलक का मान निकालने के लिए एक फार्मूला क्या होता है, वो होता है बहुलक, बहुलक बराबर 3 × माध्यक, माध्यक या माध्यिका माइनस 2 × माध्य। जैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करोगे आप लोगों का राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 25.2, क्लियर है ना। अब ये वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दो, माध्यक को माध्यक के स्थान पर रख दो और माध्य को माध्य के स्थान पर रख दो, क्लियर है। आगे यहाँ पर पूछ रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुलक, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर बताएंगे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके ही दिखा दूँ क्या आपको, ठीक है। देखो इसको मैं थोड़ा सा रेज करता हूँ और इसको भी आप लोग देख लो तो कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आप लोगों को, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो, हम यदि मान लें एक्स और वाई, एक्स वाई हमने यहाँ पर मान लिया 30, इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, ठीक है। एक्स तो एक्स है और इसको मान लो चौड़ाई को या लंबाई को, इसको इसको एक्स मान लो, वाई को लंबाई मान लो, वाई बराबर एल मान लो, एक्स बराबर बी मान लो, तो जो वाई है वो क्या एक्स से एक अधिक है, तो वाई के स्थान पर हम लोग कितना रख सकते हैं, एक्स प्लस वन रख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 30, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो ये 30 इस साइड है तो बराबर के इस साइड ले आओ तो माइनस का 30 बराबर कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग का काम क्या है कि आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और कितने नंबर आ रहे हैं, और इसका मैं फुल सोल्यूशन आपको शाम तक करवा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं।